आप सभी को नमस्कार। एक महत्वपूर्ण सूचना, एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपके साथ मैं इस समय लाइव जुड़ रहा हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, आप जल्दी से जल्दी जुड़िए और फिर हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि इस समय जुड़ने का क्या मकसद है हमारा। वैसे आपने हमारे इस वीडियो का कैप्शन देख लिया होगा, इस वीडियो के का मोटो देख लिया होगा कि इस वीडियो का पर्पस क्या है हमारा। बिट्टू बजरंगी जो फरीदाबाद में गो रक्षा बजरंग फोर्स के नाम से जो है एक संगठन चलाते हैं, बिट्टू बजरंगी, आप पिछले 4-5 दिन से हमारे चैनल पर भी कुछ एक वीडियोस, कुछ एक खबर जो है हमारे प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, उसी से संबंधित कुछ जानकारी साझा करने के लिए आपके साथ समय लाइव आए हैं। और जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप सभी से रिक्वेस्ट, आप खबर को शेयर करें और जितने ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं जुड़ने की कोशिश करिए। महत्वपूर्ण जानकारी है, आप खबर को शेयर ज़रूर करिएगा। और आपको बता दें, कल की डेट में, कल यानी कि 4 जुलाई 2023, फरीदाबाद के में गोरक्षा के नाम से संगठन चलाने वाले बिट्टू बजरंगी, जो कि गोरक्षा बजरंग फोर्स के नाम से एक संगठन चलाते हैं, जिसमें वो गोरक्षा का संगठन है एक, तो उससे संबंधित जो है कल दो अलग अलग थानों में, फरीदाबाद के दो अलग अलग थानों में 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं बिट्टू बजरंगी के खिलाफ। और उसी की जानकारी देने के लिए इस समय हम आपके साथ लाइव जुड़े हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, खबर को शेयर ज़रूर करिएगा। और हम आपको बता दें, पिछले शनिवार को हमने एक खबर चलाई थी जिसमें हमने दिखाया था कि बिट्टू बजरंगी द्वारा धोज के एक बाईखेड़ा गांव से कुछ एक गोवंशों को लाकर फरीदाबाद के गौशाला में रखा गया था। और ये जा रहा था कि इन गाँव को जो है काटने के लिए जो है एक जगह पर रखा गया था। तो हमने दोनों पक्षों की बात चलाई थी, हमने जो गायें वहाँ से दोस्त से लेके आई गई थी, पहली बात तो ये कि जो बाईखेड़ा गांव है वो सोहना में पड़ता है, ना कि धोज में पड़ता है, और वहाँ से लाई गई थी। और उसके बाद हमने खबर दोबारा से चलाई थी, धोज के कुछ मोजिज लोग हमारे सामने आए थे, उन्होंने बताया था कि इस पूरा मामला, पूरा प्रकरण है क्या। तो पहले तो ये बताया गया, बिट्टू बजरंगी और वहाँ के जो उनके साथी थे उनके द्वारा ये बताया गया कि ये जो गायें लाई गई हैं ये धोज के एक, जो कि धोज का गांव नहीं है, वो सोहना के गांव के अंदर आता है, सोहना शहर के अंदर आता है। तो वहाँ से कुछ एक गायें जो हैं कटने के लिए रखी गई थी, जहाँ से ये गायें को छुड़ा के लेके आए हैं, ये हमने खबर चलाई थी हमने। लेकिन उसके बाद धोज के कुछ मोजिज लोग हमारे सामने आए थे और उन्होंने बताया था कि ऐसा नहीं है, ये गरीब परिवार की कुछ गायें हैं जो बरसों से जो है गऊ पालन का काम करते हैं, दूध बेचना जो है उनकी जीविका का साधन है, यहीं से उनकी आमदन होती है। तो ये हमने खबर चलाई थी। और उसी मामले में जो है कल धोज थाने में बिट्टू बजरंगी और उनके साथियों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ है, जो सेक्शन मैं बता दूँ आपको, 148-149, मुकदमा नंबर 179-189, और जो धाराएं लगी हैं वो 148-149, उसके बाद 295 एक जो है किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए लगती है, 506 लगा है और 25 नंबर धारा लगी है। ये धाराएं हैं अकेले बिट्टू बजरंगी पर नहीं, काफ़ी लोगों पर, उनके काफ़ी साथियों पर भी ये धाराएं लगी हैं। इसके अलावा कल एक और धारा, एक मुकदमा दर्ज हुआ था, कल की डेट में 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं बिट्टू बजरंगी पर, एक धोज थाना में और एक मुजेसर थाना में, फरीदाबाद के मुजेसर थाना में भी एक जो है FIR दर्ज हुई है, वो भी जो है 295A के तहत हुई है, IPC अंडर 295A, जिसमें धार्मिक और किसी विशेष व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए लगाई जाती हैं। तो 295A कल मुजेसर थाना में 295A की धारा, उसके बाद धोज में भी जो है, जो उससे 2-3 दिन पहले जो एक प्रकरण हुआ था गोवंशों को लेकर, उसके तहत भी जो है मामला दर्ज किया गया है।
तो एक बड़ी जानकारी के साथ आपके साथ मैं इस समय लाइव जुड़ा हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट, खबर को शेयर करें। और एक छोटी सी बात मैं आपके साथ जरूर साझा करना चाहूँगा, जो मेरी व्यक्तिगत सोच है। देखिए, किसी की सोच मैं बदल नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी सोच जरूर आपके साथ साझा कर सकता हूँ। पहली बात तो ये कि एक जो पत्रकार होता है वो किसी एक विशेष समुदाय का नहीं होता है, वो सभी समुदाय के लिए खड़ा होता है, बात उठाता है। मैं सभी पत्रकारों की बात कर रहा हूँ। कुछ एक चुनिंदा पत्रकार होते होंगे किसी विशेष समुदाय की खबर चलाने वाले, लेकिन हमारा ऐसा काम नहीं है। हम अगर खड़े हैं तो सभी के लिए खड़े हैं। अगर एक पक्ष हमारे सामने आता है तो हम चाहते हैं कि हम दूसरे पक्ष की भी बात रखें। वो अब कारण अलग अलग हो सकता है कि दूसरा पक्ष सामने ही नहीं आना चाहता, या दूसरे पक्ष को कभी हम ट्रेस ही नहीं कर सकते हैं। कई कारण होते हैं कि हम आपको दोनों पक्षों की बात सुनाने का काम करते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि हम कभी एक, क्योंकि जो हमने गोवंश को लेकर जो हमने शनिवार को एक खबर चलाई थी, उसमें काफ़ी लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी। कुछ लोग मेरे व्यक्तिगत चरित्र पर भी बातें उठा रहे थे, लेकिन कुछ लोग थे, ऐसा नहीं है कि सभी लोग उठा रहे थे, कुछ लोग हैं जो ऐसा कर रहे थे। लेकिन मैं आपको वही बता दूं कि कुछ लोग होते हैं, हर एक समाज में कुछ लोग होते हैं जो अप्रिय बातें करते हैं, असामाजिक तत्व होते हैं, वो हर एक समाज में होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में, हिंदू समाज में नहीं है, मुस्लिम समाज में नहीं है, हर एक समाज में छोटे मोटे लोग होते हैं जो समुदाय को, जो समाज को गंदा करने का काम करते हैं। लेकिन मैं आपको सीधी सी बात बताऊं कि हमारा ऐसा कोई पर्पस हमेशा ना कभी रहा है, ना कभी रहा था, और ना कभी आगे रहेगा कि किसी विशेष समुदाय के प्रति हम ऐसा भाव रखें कि सिर्फ एक समुदाय की खबर चलाएं। ऐसा कुछ नहीं है, हम हमेशा दोनों पक्षों की खबर चलाते हैं। अगर हम बात करें बिट्टू बजरंगी की, तो बिट्टू बजरंगी की खबर हमने चलाई। उसके बाद धोज थाना के बाहर से हमने, धोज के कुछ मोजी लोग थे जो वहाँ के पूर्व पार्षद रहे थे, वहाँ के कुछ अच्छे लोग थे जो हमारे सामने आए, और उन्होंने उनकी बात हमने रखी, पूरी तरह से रखी। और अगर आप चाहें तो हमारे इस पेज पे कुछ एक पीछे जाकर, कुछ दिन पीछे जाकर वो खबर देख सकते हैं। तो कुछ एक लोग थे जो हमारे ऊपर उंगलियां उठा रहे थे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा मत करिए, पत्रकार कभी एक समुदाय का नहीं होता है, पत्रकार हमेशा पत्रकार होता है, वो सभी समुदाय का होता है, चाहे वो हिंदू समाज हो, चाहे वो मुस्लिम समाज हो। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। फिलहाल कुछ लोग टिप्पणियां कर रहे थे, तो हमने उनकी बातों को कुछ बुरा नहीं माना, लेकिन फिर भी मेरी एक व्यक्तिगत राय थी कि उनको आगे कम से कम बताना चाहिए। और इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं, कुछ एक लोग, हमारे पास कुछ दोस्त से भी फोन आए जिनके खिलाफ बिट्टू बजरंगी ने कुछ एक उस गोवंशों को लेके बात कही थी। तो धोज से भी कुछ खबरें हमारे पास, फोन हमारे पास आए, उन्होंने बताया कि सर आप एक तरफ की खबर चला रहे हो, एक तरफ की खबर नहीं चला रहे हो। इसके अलावा हमारे पास 2 से 3 फोन सऊदी से भी आए थे, बहरीन से फोन आया था, एक जगह से और भी फोन आया था फॉरन से कि सर आप एक जगह से फोन चला रहे हैं, एक जगह की खबर चला रहे हैं। तो उनको मैंने बताया कि सर हो सकता है कि जो खबर आप देख रहे हैं वही खबर आप तक पहुंची हो, जो हमने आपके समुदाय की जो खबर चलाई है, आपके समाज की जो खबर चलाई है, आपकी जो मुस्लिम समाज की जो खबर चलाई है, शायद आप तक वो नहीं पहुंची है। तो उनको फिर मैंने लिंक शेयर किया। लिंक शेयर करने के बाद वापस उनके पास उनका फोन आया कि हाँ सर आप सही बोल रहे थे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोग जो टिप्पणियाँ कर रहे हैं, गलत टिप्पणियाँ कर रहे हैं, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि कम से कम जो खबर आपके पास आ रही है हमारे पेज पे जाएं, आपके समुदाय की भी खबर चला रखिए। आपके समुदाय वाले उस प्रकरण को लेकर, वो झूठे प्रकरण को लेकर, सही प्रकरण को लेकर क्या कह रहे हैं, वो भी हमने खबर चलाई थी। और देखिए, हमारा काम होता है खबर चलाना। खबर की पुष्टि के लिए हम दूसरे समाज से बात करते हैं, दूसरा पक्ष अगर सामने रखता है तो हम वो चीज़ आपके सामने रखते हैं। और उसके बाद जो प्रकरण अभी 4-5 दिन से फरीदाबाद के अंदर चल रहा है गोरक्षा फोर्स के तहत, इसके अलावा जो है, अब मैंने जैसे आपको बताया कि जो धोज में प्रकरण हुआ था, धोज के पूरे निवासियों ने, पूरे धोज के गांव के लोगों ने एकजुट होकर जो है मुकदमा दर्ज कराया है बिट्टू बजरंगी के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज हो चुका है धोज थाने के अंतर्गत, और 5 से 6 धाराएं जो हैं, गंभीर धाराएं जो हैं, उनके उनके के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। और इसके अलावा एक और मुकदमा दर्ज हुआ है बिट्टू बजरंगी के खिलाफ मुजस्सर थाना में, फरीदाबाद के मुजस्सर थाना में, 295A धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए। तो कल की डेट में 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं। जो कल मुजस्सर में मुकदमा दर्ज हुआ है उसका मुकदमा नंबर 413 है, और जो धोज थाने में जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसका मुकदमा नंबर 189 है, 189 है। तो मेरा ये दोनों पर्पस था आपके साथ जुड़ने का, कि आपको मैं बता सकूं कि जो टिप्पणियां हमारे खबर पे कर रहे हैं, हमारी वीडियोस पे कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा मत कीजिए। क्योंकि देखिए, मैं आपको सिर्फ यही कह सकता हूँ कि मत कीजिए, क्योंकि मैं किसी की सोच नहीं बदल सकता हूँ। मैं सिर्फ अपनी जानकारी साझा कर सकता हूँ आपके साथ, आपकी व्यक्तिगत अपनी जानकारी साझा कर सकता हूँ कि पत्रकार हमेशा सभी समुदाय के लिए खड़ा होता है। मैं सभी पत्रकारों की बात कर रहा हूँ, कुछ एक चुनिंदा पत्रकार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। सभी पत्रकार सभी के लिए खड़े होते हैं, ऐसा हमारे प्रोफेशन में होता है। दूसरी बात ये कि
कभी ऐसा मत सोचिएगा कि कोई एक पत्रकार है जो एक विशेष समुदाय की खबर चलाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बात करें, अपनी बात बिल्कुल रख सकते हैं कि आप एक पक्ष की खबर क्यों चला रहे हैं, दूसरी पक्ष की खबर क्यों नहीं चला रहे हैं। हमारा हमेशा मकसद रहता है, हमेशा ऐसा नहीं है, हमारा शुरू से ही मकसद रहा है कि हम दोनों पक्षों की बात रखें आपके सामने। एक पक्ष की बात नहीं रखते, दोनों पक्ष की बात रखते हैं। दूसरा पक्ष सामने आता है तो अच्छी बात है, ट्रेस करने की कोशिश करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, उनको बोलते हैं कि आप अपना पक्ष रखिए, आपके खिलाफ ये खबर चल रही है, आपके लिए ये खबर चल रही है। लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं समझते हैं। अभी भी हमारे पास एक खबर आई है कि धर्मेंद्र के पास एक खबर चलते हैं फरीदाबाद न्यूज़ नाम वाला, खैर समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसे कमेंट मत करिए, और हमारा कभी किसी विशेष समुदाय के को ठेस पहुंचाने का कभी ऐसा काम नहीं रहता है। हम हमेशा से रहते हैं, आप हमारी खबरें पुरानी भी देख सकते हैं, आने वाली खबर भी देख सकते हैं। किसी इस इवन इवन जब ये प्रकरण हुआ तो हमने अपने पेज पे ये भी खबर चलाई एक पोस्ट के माध्यम से कि फरीदाबाद का माहौल कुछ एक विशेष समुदाय के लोग खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू समाज के लोग हों या कुछ एक मुस्लिम समाज के लोग हों, कुछ एक लोग होते हैं जो खराब करते हैं। तो मैंने संदेश दिया, मैंने एक मैसेज दिया कि खराब करने की कोशिश की जा रही है, तो आप संयम रखें, समझदारी का दे, ताकि जो है फरीदाबाद का माहौल खराब ना हो। खैर माहौल खराब नहीं हुआ, क्योंकि कुछ एक लोग माहौल खराब नहीं कर सकते हैं। बहुत से लोग हर एक समाज के अंदर बहुत अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं, सहज लोग हैं, सतर्क रहते हैं, उनको पता है कि ये सब अफवाहें होती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो उसके बाद भी फरीदाबाद का माहौल शांतिप्रिय है, सब कुछ बढ़िया से चल रहा है। तो आगे भी भगवान से कृपा प्रार्थना करेंगे सब कुछ सही चलता रहे, और जो लोग असामाजिक तत्व हैं, जो फरीदाबाद और शहर का माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं, भारत का देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं, तो उसके उनसे निपटने के लिए हमारा पुलिस प्रशासन हमेशा से तत्पर रहता है। और इस मामले में भी पुलिस की तत्परता काफ़ी दिखी है, जिससे कि माहौल ना बिगड़े, और उसी के सहज जो है मामले भी दर्ज किए गए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, खबर को शेयर करें, और मेरी एक बार दोबारा से रिक्वेस्ट है आपसे कि कभी भी एक खबर को देखकर अपनी प्रतिक्रिया मत दें, कभी अपना रिएक्शन मत दें। खबर दोनों तरफ की देखें, हमने दोनों तरफ हम कोशिश करते हैं हम दोनों तरफ की खबर चलाएं। और मेरा मन था कि आपसे बात करूं, इसलिए और एक जानकारी भी साझा करनी थी, इसलिए मैं आपके साथ लाइव हुआ हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, खबर को शेयर करें किसी और खबर के साथ और किसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, आप खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं और मैं आपके साथ उज्ज्वल हांडा, दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।